हेलो दोस्तों, तो आज हम मिल रहे हैं न्यू रेसिपी के साथ, जिसमें हम बनाएंगे मूंग दाल का हलवा, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा, बहुत कम टाइम लगेगा, आप लोगों को बहुत पसंद भी आएगा। तो हलवा बनाने के लिए मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं। तो ये मैंने लिया है 1 कटोरी मूंग दाल, ये मैंने लिया है 1 कटोरी देसी घी, और ये ले लिया है मैंने 1 कटोरी चीनी। तो 1 कटोरी दाल ले लेनी है, और 1 कटोरी की दाल के साथ हमें ले लेना है 1 कटोरी घी और एक कटोरी ही चीनी ले लेनी है। और सबसे पहले हमें दाल को अच्छे से ग्राइंड कर लेना है ग्राइंडर में डाल के। तो आप देख सकते हैं, इसे मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया दाल को, देख सकते हैं, ना तो ज्यादा बारीक है और ना ही ज्यादा मोटा है, इसी तरह हमें इसे रखना है। अब हमें एक कढ़ाई गरम रख देनी है, और उसमें डाल देंगे आधा घी, और इसे हमें अच्छे से गरम होने देना है। घी अच्छे से गरम हो गया है, अब ये सारा हमें इसमें डाल देना है जो दाल हमने पीसा था, और इसे हमें मीडियम फ्लेम पे ही चलाते रहना है। और इसे हमें मीडियम फ्लेम पे ही चलाते रहना है, नहीं तो ये कढ़ाई में लग जाएगा। तो आप देख सकते हैं, इसमें हलवे ने घी छोड़ दिया है, और इसे हमें थोड़ा और चला लेना है, जिससे कि अच्छे से पक जाएगा ये। आप देख सकते हैं हल्का हल्का रंग आ गया है, इसमें ब्राउन हो गया है, इसे हमें थोड़ा और सेकना है और थोड़ा ब्राउन कर लेना है, जिससे कि टेस्ट अच्छा आएगा इसमें। तो आप देख सकते हैं रंग आ गया है इसका, अभी थोड़ा और सेक लेंगे, खुशबू आने लग गई है इसमें से सिकने की। थोड़ा सा और सेकना है, थोड़ा ब्राउन और कर लेना है इसको अभी। तो आप देख सकते हैं रंग अच्छा आ गया है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है सिकने की। और अब हमने 1 कटोरी दाल ली थी, तो एक गिलास हमें इसमें दूध डाल देना है, और अब इसमें हमें दूध डाल देना है इसमें हमें, और इसे चलाते रहना। आप देख सकते हैं दूध मैंने इसमें डाल दिया 1 गिलास, और अब इसे हमें अच्छे से चला देना है, पूरा मिक्स कर देना है इसको। दूध इसमें सारा डाल दिया है, और अब इसको हमें दूध में अच्छे से मिक्स कर लेना है, अच्छे से चला देना है। तो आप देख सकते हैं ये सारा अच्छे से मिक्स हो गया है, और अब इसमें हमें डाल देना है 1 चम्मच घी। एक चम्मच घी डालने के बाद पूरे को अच्छे से मिक्स कर लेना है, पूरे में घी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो आप देख सकते हैं दूध और घी इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है, और अब इसमें हमें डाल देनी है 1 कटोरी चीनी, और सारी चीनी इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं इसमें चीनी हमारी अच्छे से मिक्स हो गई है, और अब इसमें हमें डालने हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए थे, उनको मैंने काट लिया है पीसेस में, और ये सारे हमें इसमें डाल देने हैं, और अब इसको हमें इसमें अच्छे से मिक्स कर देना है। आप जो ड्राई फ्रूट खाना पसंद करते हैं वो इसमें आप डाल सकते हैं। देख सकते हैं हमारा हलवा बन के तैयार हो गया है। हलवा तैयार हो गया है, फ्लेम बंद कर देंगे, और इसे हमें निकाल लेना है किसी बर्तन में। तो आप देख सकते हैं हमारा मूंग दाल का हलवा बनके तैयार हो गया है, बहुत टेस्टी बनता है, बहुत कम टाइम लगा इसको, और इसको हम थोड़ा सा ऊपर से गार्निश कर देंगे। तो थोड़े से काजू बादाम मैंने पहले ही काट के रख लिए थे छोटे छोटे, अब इसके ऊपर से हमें डाल देना है। बहुत कम टाइम लगा इसको बनाने में, बहुत टेस्टी बनता है, बहुत पसंद आएगा लोगों को भी। आप भी बना के ट्राई जरूर कीजिए, अपनी फैमिली वाले को खिलाइए, फ्रेंड्स को खिलाइए, बहुत कम टाइम लगा इसको बनाने में। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।